अब साइज कितना हो गया? आई थिंक अभी 17-18, तो 14 का है फोर्टीन का बाइसेप नाम। साइज। ओके ओके, नाइस नाइस नाइस। तो अभी इसको गेन, इसको इतना ही रखना है या फिर अभी अभी और गेन करना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी इससे है। ज्यादा कितना गेन करोगे? मतलब आप 14 इंच अपनी बॉडी को जितना बेस्ट बना सकते हो और बना सकते हैं। यार, मतलब 14 इंच से ज्यादा अब तो क्या ही बोल रहे जाए। अब और हाउ मच आर थाइस? मेरी थाई काफी मस्कुलर है, ओके, कितना साइज हो गया है? 32। 32, मतलब कमर जितनी तो एक थाई। हाँ तो स्ट्रेच पैंट्स के अलावा कोई और पैंट्स आ रही है आजकल? कभी कभी मैं जाती हूँ तो अपनी पैंट ट्राई करती हूँ, लोअर कभी मेरे साइज की मिलती ही नहीं है। और जब मैं जीन्स पहनती हूँ तो जीन्स ऐसे टाइट हो जाती है, बिल्कुल मसल्स ऐसे टाइट हो जाते हैं, तो जीन्स पहनने की हैबिट ही नहीं रही एक तो। अब फिर स्ट्रेचेबल पैंट्स ही हैं जो स्ट्रेचेबल ले ऑप्शन लेती है? हूँ ओ फिर, शिट या यार। तो ऑर्डर दे देती हूँ, अगर मिल जाती है ले लेती हूँ। तो जब हम लोग जीन्स पहनते हैं और कहीं जाते सकते हैं, बहुत टाइट पहन ली, सूट ही नहीं करती, हैबिट नहीं रही, राइट। हमेशा लोअर पहने रहते हैं क्या प्लीज। तो अभी अभी इस फिजिक से अगर अगर आप स्विच करना चाहो लाइक टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी बिल्डिंग, तो अभी कर सकते हो? लाइक यू हंड्रेड वांटेड टू परसेंट बिकनी मॉडल एज वेल, उसमें भी आना चाहते थे। सो इज दैट पॉसिबल राइट नाउ टू स्विच फ्रॉम हेयर टू देयर? 100%। अगर कोई लड़की पावर लिफ्टिंग से बिकनी में फिटनेस में जाना चाहती है, बहुत इजीली स्विच कर सकती है। बट मुझे इसमें जाना ही नहीं है, तो मैं पावर लिफ्टिंग में अब हूँ, क्यों इसमें नहीं? मतलब कंफर्टेबल हूँ। अब क्यों डिस्टेंस क्यों? क्योंकि अगर आप एक फिटनेस और बिकनी में जाते हो, तो आप एक स्टेज पे रैंप शो करते हो, उसमें आपको बिकनी ही पहननी पड़ती है। आपके पर्सनली घर वालों को वो पसंद नहीं होता कि आप बिकनी वेयर करो उसमें जाओ। इस बारे जब में बात की है घर पे या फिर घर पे मतलब करी थी, समझ ऑलरेडी आई घर है? पे करी थी, पहले बहुत फाइट करी थी कि मुझे बिकनी पहनना है, रैंप शो करना है, कैट वॉक करना है, नहीं अलाउड किया। वही वही बताए, वही तो हमारे यहाँ यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये लड़कियों का माइंडसेट बहुत स्ट्रांग चाहिए होगा फिर, अगर उन्हें इस तरह बहुत की फिटनेस में जाना है। आपको और बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है, मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ता है, आपको हर किसी से फाइट करनी पड़ती है। चैलेंजेस तो क्योंकि एन चैलेंजेस, नंबर ऑफ चैलेंजेस है, यस, मतलब वेरी टफ। कोई उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई एवरी डे इज अ डिफरेंट चैलेंज होता है। बट हमारे यहाँ का परसेप्शन भी ये है कि हम अगर कोई फिटनेस मॉडल भी है तो गाइस सी हर वेरी इन अ वेरी डिफरेंट वे। बहुत से बॉयज की मेंटालिटी ऐसी होती है कि फिटनेस में लड़की है, ट्रेनर है, और बिकनी पहनते हैं, शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हैं, सैंडो वेयर करती हैं, तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं होता है बहुत फ्री हैं, हमसे आसानी से बात कर लेंगी, मिल लेंगी, बहुत चीज़ें होती हैं। तो आपके साथ भी इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है बहुत लाइक हुए हैं, उन्होंने बात लॉट्स की? ऑफ हाँ सुनो, एक्सपीरियंस। मतलब आप जिम में क्लाइंट्स को ट्रेन करते हो, कहीं ना कहीं वो भी आपसे थोड़ा फ्लर्ट करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं कि आप फीमेल ट्रेनर है, चलो बात कर लेंगे। पर आपको अपने ऊपर एक कंट्रोल करना होता है। तो आप एटीट्यूड्स दिखाते हैं लाइक इस तरह से एटीट्यूड मैं उन्हें रखते पहले ही हैं? रोक देती हूँ कि वो वहां तक बढ़े ही ना। ओके, तो क्या हिंट थ्रो करते हो? लाइक व्हाट काइंड ऑफ हिंट्स डू यू थ्रो? लाइक मैं डायरेक्ट बोलती हूँ आप मेरे क्लाइंट हो, आप वहीं तक रहो, मैं अच्छा आपको ट्रेनिंग करा रही सीधा हूँ। अप्रोच किया है किसी ने लाइक आई वुड लाइक टू डेट यू और समथिंग? यस, बहुत लड़कों ने। फिर ओके, उसके बाद जब आपने मना कर दिया सो दे स्टिल कंटिन्यू वो टू थिंक थोड़े अबाउट थोड़े इट? फिर पीछे हो जाते हैं, कटने लगते हैं कि जब फायदा ही नहीं है, बात ही नहीं करी, लाइन नहीं दे रही, सच्चा पीछे हो जाओ, तो अगले महीने से और वो फीस कैंसिल। फेस कैंसिल।